क्या है भैया, ये फिश है क्या सारे? गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम जेजुरी। जेजुरी महाराष्ट्र में है और रात में मैं यहाँ ठहरा था इस जगह पे सिद्धी लॉज। ये बहुत ही शानदार जगह रही, ओनली 500 रुपीज रूम, वेरी क्लीन। और बिल्कुल पास में ही एक जगह मैं दिखाना चाहूँगा, इसका नाम है विलास लंच होम। तो यहाँ पे जो है भाकरी, यहाँ पे भाकरी फेमस है। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ये जो जगह है, दैट इज़ आई वॉन्ट टू शो यू, दिस वन विलास लंच होम। ये जो विलास लंच होम है, यहाँ पे बहुत ही शानदार जो है खाना मिलता है, और पूरी थाली होती है, नॉनवेज थाली होती है, भाकरी होती है, शानदार। आज का टारगेट है कोल्हापुर, और कोल्हापुर के बाद में ज़्यादा टाइम नहीं बच जाता है, नेक्स्ट जो है फाइनल डेस्टिनेशन विल बी एट द वैगेटोर बीच, जहाँ पे कि पूरी रॉयल एनफील्ड जो है शानदार इवेंट कंडक्ट करने जा रहा है। 12,500 से ऊपर बाइकर्स, रॉयल इनफील्ड बाइकर्स वो सब होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और देखिए अपनी बाइक रेडी है 100% एकदम रेडी, बस ये कभी भी जिद नहीं करती है। तो आज का टारगेट जो है मेरा 197 किलोमीटर दिखा रहा है जेजुरी। जेजुरी से हम लोग निकल चुके हैं बाहर और अब हम पहुँचेंगे कोल्हापुर। सो 197 टुडेज़ टारगेट इज़ नॉट अ टफ टारगेट। इस मंदिर के बारे में मुझे यहाँ के जेजुरी के लोगों ने डिटेल्स दी थी, वो बिल्कुल जो मंदिर दिख रहा ऊपर वो किले के स्टाइल में है। वो कह रहे थे कि आपको ऐसा फील होगा कि किला है, लेकिन ये मंदिर का नाम है खंडोबा। लेकिन मुझे एस्केप करना पड़ रहा है, रीज़न ये है कि टुडे इज़ द सेकेंड लास्ट डे गाइस, सेकेंड लास्ट डे, और मुझे 17th को पहुंचना है। तो 18th से जो है राइडर मेनिया जो इवेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आप समझिए कि विद इन टू डेज आई हैव टू कवर 450 किलोमीटर्स। दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग टास्क, बट जिस तरह से मैं एक्सप्लोर करते हुए चल रहा हूँ, जगहों को एक्सप्लोर करते चल रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि जब आप एक जगह रुक जाते हैं तो आपका टाइम लगता है। और अगर आपको प्योर बाइकिंग करनी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उस केस में तो बहुत आसानी से जो है जाया जा सकता है। और जब आप इंडिया जो है यूँ स्वांट है, अगर इंडिया का शेप देखा जाए तो ऐसा है, और जब आप ऊपर साउथ से ऊपर की तरफ आते हो नॉर्थ की तरफ, तो हमेशा आपको हाई ऊपर ऊपर चढ़ने को मिलेगा, और यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउन जाते जाएंगे। ये बहुत ही कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है, पूछते हैं क्या चीज़ है। मेरे ख्याल से फिश है। क्या भैया ये फिश है क्या सारी? अच्छा ड्राई फिश है सारी। टोटल और ऑल ओवर इस जो भी समुद्र का मच्छी है ना, हाँ उसका अलग अलग वैरायटीज है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ये भी फिश है, ये भी फिश है, ये फिश की वैरायटी देखिए, सारी ड्राई फिशेस हैं और अलग अलग फिश है। अब सोचो ये भी फिश है, ये जरा सी है ना, और सब सुखाई हुई है। तो भाई महाराष्ट्र में जो है ना नॉन वेज खूब खाया जाता है। कुछ तो फिश दिख रही है, लेकिन इनको तो कौन फिश बोलेगा। ये फिश है, फिश के अलग अलग वैरायटी से बराबर है, महाराष्ट्रियन कम से कम जो बोली जाती है उसका लिपि हिंदी होने की वजह से पढ़ सकते हैं। और ये है लोणाद, जगह का नाम है लोणाद। और उससे अभी यहाँ से 65 किलोमीटर और आगे चलेंगे तो पहुँच जाएंगे सतारा, और सतारा से कोल्हापुर, और कोल्हापुर से गोवा की तरफ। कोल्हापुर दिखा रहा 168, देखिए 168 कोल्हापुर, सतारा 47, ओहो गलत बोला मैंने, खंडाला भी है 21। खंडाला इधर जाने का, अब खंडाला मैं नहीं जा रहा हूँ। ट्रक की देखो क्या हालत ख़राब हो रही है, बिल्कुल डेड स्लो चल रहा है, चल ही नहीं रहा जैसे।
मर गया बेचारा। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं महाराष्ट्रियन स्टाइल स्पेशल टाइप का ढाबा। और ये जो ढाबा है यहाँ पे, ये होटल साईं ढाबा, वेज नॉन वेज स्वतंत्र फैमिली रूम, सातारी कंदी पेड़े, साईं स्नैक्स, ये सब मिलते हैं यहाँ पे। साईं स्नैक्स, चाइनीज मसाला डोसा, उत्तपा स्पेशल, मिसल पाव। तो यही मैं खाने वाला हूँ आज, स्पेशल मिसल पाव क्या होता है। ये देखिए, ये आ गया मिसल पाव। मिसल पाव बोले तो इसमें जो है ना, कुछ नमकीन वगैरह बहुत सारा मसाला टाइप का बना रखा और साथ में पाव दिया है। ये है मिसल पाव, बहुत नाम सुना था मिसल पाव। चेक करता हूँ कैसा टेस्ट है इसका। मसाला मेनली नमकीन वगैरह से ही बनाया हुआ है, ऐसा बहुत विशेष नहीं है कि साहब जितना नाम सुना था ना उससे कमी है। जैसा नाम सुना था कि हाँ साहब मिसल पाव मिसल पाव, तो नमकीन और जो करी होती है उसमें नमकीन वगैरह मिक्स कर देते हैं, दैट इज़ द मिसल और पाव खाओ। तो देखिए हम लोग पहुंच गए सतारा, और ये जो सामने आप देख रहे हो ब्रिज, ये सीधा कोल्हापुर के लिए है। कोल्हापुर हाईवे यहाँ से मिलने वाला है, और यहाँ से सतारा अगर अंदर एंटर करना है सतारा में तो अराउंड 3-1 किलोमीटर ये है, लेकिन हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि अपना टारगेट अभी है कोल्हापुर। तो ये लग गया साहब हमारा सुपर हाईवे, 6 लेन 3 लेन दिस साइड 3 लेन दैट साइड, और ये कोल्हापुर हाईवे। अभी तो हमारे लिए, मुझे पूरा नहीं मालूम ये आगे कहाँ तक जाएगा। कोल्हापुर तक तो 120 किलोमीटर्स, मस्त 6 लेन पे चलो भाई। पिछले 30-40 किलोमीटर से लगातार शुगर चेंज कर चल रहा है। और देखो यहाँ ये इस तरह के ट्रैक्टर होते हैं, दो ट्रॉली वाले, सारे ट्रैक्टर में एक ही हिसाब है कि डबल ट्रॉली लगा लेते हैं ये, और बहुत ज़्यादा स्पीडली जो है इनको ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। किलोमीटर्स में फैला हुआ है, कई किलोमीटर्स में ओनली शुगर कैन, ओनली गन्ना, इतना गन्ना होगा है जा रहा है। और ये जो साइड में आप देख रहे हो, ये गन्ने के ही गन्ने जब गिर जाते हैं नीचे और उसके बाद में ये धीरे धीरे क्रश हो गए और ये स्थिति बनती है इनकी। सब तरफ एवरीवेयर देर इज इन अ शुगर कैन। यहाँ पे राइडर मिनिया का ये लोगो लग रहा है, राइडर मिनिया गोवा रॉयल इनफील्ड ऑथराइज सर्विस पॉइंट अहेड एट होटल साई इंटरनेशनल एडवेंचर मोटरसाइकिल्स। तो ये जो कई सारे बैनर्स मैं देख रहा हूँ लग रहे हैं, और इन्होंने जो साई इंटरनेशनल होटल है उस पर भी इस तरह का ऑथराइज सर्विस पॉइंट बनाया हुआ है। तो यहाँ से अगर कोई भी राइडर्स निकलते हैं तो वो आराम से जो है गाड़ी अपनी सर्विस करवा सकते हैं। तो ये पूरे राइडर मैनी की तरफ से ही किया हुआ है। ये देखिए, ये भी वही बैनर लग रहा है यहाँ पे। अब मुझे तो कोई सर्विस की ज़रूरत नहीं है, सो आई विल कंटिन्यू। एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है, अब तक लगभग 50-60 बाइकर्स मैंने देख लिए जो रॉयल इनफील्ड लेके निकल रहे हैं। यस, तो आज का टारगेट कंप्लीट हो गया, कोल्हापुर पहुंचना था, कोल्हापुर पहुंच गए, और यहीं पे नाइट होल्ट यहीं पे होगा, और नेक्स्ट डे देयर विल बी 17th, और उस दिन हम पहुंच जाएंगे वेक्टर सीधा। सो देख रहा हूँ दूसरा ग्रुप जो हमारे साथ आ रहा है वो कहाँ पे है, उनका मालूम चले, उनकी लोकेशन लेनी पड़ेगी।